देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। तमाम घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घटना दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की है, जहां दरभंगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना इलाके के शिवधारा मोहल्ले में नौकरी देने के नाम पर बेरोजगार युवा से पैसे ठगने और उसे ब्रेन वॉश कर अपने पास रखने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। यहां कुछ लोग बेरोजगार युवाओं को मात्र 19,000 रुपए में 18,000 महीने की नौकरी देने का झांसा देकर पहले बुलाते थे, फिर अच्छे अच्छे और सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर उनसे पैसे वसूलते थे। छापेमारी टीम में शामिल पुलिस जांच अधिकारी सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि यहां बेरोजगार युवा को नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगी की जाती थी। यह नेटवर्किंग जैसा कुछ काम करती है। यहां आए लगभग सभी लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। फिलहाल गैंग के सात लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मामला बड़ा है, कई जगह इसके तार जुड़े हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी थाना के बड़े अधिकारी से लेकर पटना तक के अपने पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। अपना हरिश्चंद्रपुर स्कूल का नाम क्या है? मिलनगढ़ में पढ़ते हैं। मिलनगढ़ में पढ़ता है। जिला कौन है? जिला पश्चिम बंगाल। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा? यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा कि यहाँ रैकेट काम कर रहा है? यहाँ आने के बाद पता चला कि ये नेटवर्किंग है, दूसरे को बुलाओ पैसा ठगना, इसको बुलाओ उसको बुलाओ पैसा ठगना, सिर्फ ठगी का काम चल रहा है, दूसरा कोई काम नहीं। लक्ष्मी ने बताया और बच्चे के पेरेंट्स ने 112 पर कॉल किया था, उसने बताया कि यहाँ नेटवर्किंग का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और हमारे बच्चे को कैद करके रखा गया है और उसको भागने भी नहीं दे रहा है, रहने भी नहीं दे रहा है। रूम में जाने के बाद हमको यही पता चला सबका जो है सर कि माइंड जो है ना सबका ब्रेन वॉश किया हुआ है, सबको अपने तरफ खींच रखा है दिमाग से ब्रेन वॉश से। और इसमें कोई किसी को अभी तक पूछे हैं, कोई किसी को बिजनेस और नौकरी नहीं मिला है और ब्रेन वॉश करने के लिए सबको ठगी किया जा रहा है, सब नाबालिग लड़का सब है। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे, क्या हुआ? यहाँ पे हम लोगों को बुलाया था, पहले गोडाउन के नाम पे बोल रहा, गोडाउन पे काम है, कपड़ा वगैरह बेचना है या कुछ सामान वगैरह गिनती करना है, उसमें तुम्हें 18,000 महीना तनख्वाह मिलेगा। तो पहले आए हैं, फिर यहाँ पे आए हैं, फिर आके बोला है तुम्हें रूम किराया लगेगा और खाना का खर्चा लगेगा 19,500। तो फिर वो हम पैसा दे दिए उनको, फिर बाद में हम दो चार दिन बाद हमें बोल रहा है वो लड़का को बुलाने के काम है यहाँ पे। निजी जमीन पर हरा पेड़ काटने वालों को गिरफ्तार करो और न्याय देने की मांग को लेकर प्रीत परिवार मोर्चा बहादुरपुर देकुली की ओर से बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के प्रांगण में नारा बुलंद कर अपनी मांग को लेकर पहुंचे हुए थे। वहीं मोहम्मद जमालुद्दीन अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं बुधवार को वन प्रमंडल कार्यालय में नारा बुलंद किया, वहीं उनके समर्थक ने और भी कई लोग भी शामिल थे। इन लोगों से हमने बात की, क्या कुछ कहना है इनका, ये आपको सुनाते हैं। तो उसने कहा कि हम पेड़ काटेंगे, तुम क्या करोगे? हम जो है सो केवाला से जमीन लिए हुए हैं, वह जमीन 3 कट्ठा 6 धूर जमीन है, मिर्जापुर मौजे में है। पेड़ काटने वाले में गणेश महतो, सुनीता देवी, राजा राम पासवान, संजीत राम, पच्चू पासवान, गौरी पासवान और मुन्ना पासवान सरीखे और लोग हैं। जमालुद्दीन साहब के हम लोग समर्थन में आए हैं। इनके पेड़ों को, दरख्तों को जो है काटा गया और अब प्रशासन का हाल ये होता चला जा रहा है, किसी भी मामले में उनके पास जब आता है आदमी तो ये सुनते नहीं हैं और बल्कि ये अपनी मनमानी चलाते हैं। शहर के राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय मामबाड़ी में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बुधवार को इसके तहत पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने म्यूजिकल चेयर रेस और वर्ग 3 से 5 के बच्चों ने सुई धागा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए शिक्षिका विभा झा ने कहा कि प्रतियोगिता से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है जो उनके मानसिक विकास में सहायक बनता है, साथ ही उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उभरती है।
डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता से बच्चों का उत्साह वर्धन हुआ है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षिका अंजुम फातिमा ने किया, जबकि संचालन फाउंडेशन के अनिल सिंह ने किया। इससे पूर्व म्यूजिकल चेयर रेस में दूसरी कक्षा के आयुष कुमार, पहली कक्षा की जोया फातिमा और दूसरी के जहांगीर को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि सुई धागा रेस में पांचवी की मरियम फातिमा, मोहम्मद सदान एवं मोहम्मद रेहान को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। दोनों प्रतियोगिता में कुल 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मौके पर शिक्षिका नाजनीन परवीन, इशरत फातिमा, रुखसाना बेगम आदि मौजूद थी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से नियुक्त स्नानकोत्तर वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद ने जांच अधिकारी के रूप में दरभंगा जिला स्थित मिल्लत कॉलेज लहरियासराय और एमआरएसएम कॉलेज आनंदपुर का औचक निरीक्षण किया। कॉलेजों में उन्होंने क्लासरूम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षक कक्ष और शौचालय आदि के गहन निरीक्षण के साथ ही विभिन्न तरह की संचिकाओं का भी निरीक्षण किया और संबंधित बातों पर पूछताछ की। डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद ने दोनों महाविद्यालयों में शिक्षक शिक्षेत्र कर्मियों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति आदि पर संतोष व्यक्त करते हुए बताया कि महाविद्यालय परिवार में आपसी और बेहतरीन कार्य संस्कृति पाई गई। कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने महाविद्यालय में डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद का स्वागत किया, जबकि उन्होंने निरीक्षण में सहयोग के लिए प्रधानाचार्य और शिक्षक एवं शिक्षेत्र कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। विश्वविद्यालय मैदान दरभंगा में आयोजित जिला फुटबॉल लीग मैच के महाकुंभ के सातवें दिन राजा बहादुर विशेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा एवं एनसीसी न्यू स्पोर्ट क्लब बहुआड़ा बुजुर्ग के बीच पहला सेमीफाइनल मैच का आयोजन हुआ। इस मैच में राजा बहादुर विशेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा ने एनएससी न्यू स्पोर्ट क्लब बहुआड़ा बुजुर्ग को 2-0 से पराजित कर दिया, अपनी जगह दरभंगा जिला फुटबॉल लीग के फाइनल में बना ली। याद हो कि राजा बहादुर विशेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा के टीम से मनीष ने पहले हाफ के 29वें एवं दूसरे हाफ के 39वें मिनट पर गोल कर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय खेल प्रभारी प्रोफेसर अजय नाथ झा मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उप खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा मंच पर मौजूद थे। दरभंगा जिला फुटबॉल संघ के संयोजक मनीष राज ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मैं जिला स्तरीय फुटबॉल लीग को सफल बनाने वाले सभी खेल प्रेमियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर दरभंगा राज के प्रतिनिधि डॉक्टर हेमपति झा, अमरकांत झा, आशुतोष दत्त, प्रियांशु झा, सुजीत झा, जितेंद्र ठाकुर, अशोक कुमार, अमित कुमार, पप्पू कुमार, प्रतियोगिता के कोषाध्यक्ष कृष्णा मौजूद थे। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेश अनुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर चंद्रिमा अनी द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया गया कि प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24 एवं 25 अगस्त 2023 को दो पाली में और प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली 3:30 बजे से 5:30 बजे तक जिले के शहरी क्षेत्र स्थित 35 परीक्षा केंद्रों में होगी। सभी परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त एवं सफलता पूर्वक परीक्षा संचालन कराने के लिए परीक्षा तिथि को परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लड, सेल्यूलर फोन और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शव यात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा। अंतरिक्ष जगत में भारत ने इतिहास रच दिया है। 24 अगस्त 2023 की यह तारीख भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन चंद्रयान 3 सफल हो गया है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हो गई है। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण भी है और एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी।
मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी की ओर भारत के एक और कदम के बाद हर ओर खुशियां हैं।